जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे और कम मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंकेज, सेंसेक्स और उसके ऑप्शन लेवल 22 से 26 अप्रैल 2024 के लिए। और शीर्षक दिया है मार्केट का रावण। तो मार्केट का रावण जाग चुका है, बियर्स वाले सब जाग चुके हैं, तो वोलेटाइल पूरा रहेगा मार्केट में आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्शन अब स्टार्ट हो गया है। तो कभी भी कुछ भी रिजल्ट आवे, कुछ भी न्यूज़ आवे और मार्केट वोलेटाइल रहेगा ही। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है नीचे की ओर ही रहना चाहिए मार्केट। सेल ऑन राइस, जहाँ बड़े वहाँ सेल करके चल सकते हो। और मुझे तो काफ़ी ख़राब दिख रहा है मार्केट, लेकिन ठीक है, मार रिजल्ट का टाइम है तो ऊपर नीचे दोनों साइड होगा। कोशिश करेंगे कि भाई अपने पुट में ही ध्यान रखें, क्योंकि जाने में 2 मिनट लगेगा, बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो अपने लेवल दिए हुए हैं सारे और लेवल से काम करेंगे। और HDFC बैंक का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट मेरे हिसाब से तो नेगेटिव है। अब मार्केट क्या रिएक्ट करता है मंडे के ऊपर, उसके ऊपर है। तो मार्केट हवर में लेवल सारे दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें जो दिया है वो होगा नहीं होगा, हो सकता गैप अप भी खोल दे, ये तो उन लोग का सौदा के ऊपर है, उन लोग का क्या सौदा है। अगर तेज़ी का है तो वो पहले एक बार ऊपर खोल के फिर 2-5 मिनट में ही नीचे डाल दे, ये भी हो सकता है। तो जो भी होगा अपडेशन मार्केट आवर में होगा और वो मैं ब्रॉडकास्ट चैनल में देते रहता हूँ। शुक्रवार की समरी है, जो हम लोगों ने बैंक निफ्टी दिलवाया था 47,500 का कॉल 205 रुपये में 360 में बिकवाया था। निफ्टी दिया था 32 रुपये में, वो 83 रुपये में बिकवाया। फिर निफ्टी दिया 44 में, वो 101 में बिकवाया। निफ्टी फिर 19 रुपये का दिया, वो मैंने बोला कैरी फॉरवर्ड ले जाओ, उसको लेके जाइए। और मिड कैप निफ्टी मेरा थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मंडे को इसका एक्सपायरी है, इसलिए मैंने दिलवाया। लेकिन अब जब तक मैं लिखूँ तब तक तो 13 वाला 10-10.5 आ गया, तो मतलब जो होगा 8 का स्टॉप लॉस दिया था, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर निफ्टी लास्ट में मैंने बोला था 35 रुपये में लेके जाओ निफ्टी 21,600 का पुट, तो क्लोजिंग दिया 38-35 का। उस हिसाब से टोटल ओवरऑल 7,282 और इस हफ्ते का पूरा मिला के 17,721.50 रुपये हम लोग ने जमा किए। ये मैं जो जनरल में देता हूँ, इसके एक ठो ये रूपरेखा है कि इसी स्ट्राइक प्राइस में मैं लो स्ट्राइक प्राइस में देता हूँ। तो अगर किसी के पास 14-15 हज़ार हो, 10,000 रुपये भी हो, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से, तो महीने का 20-25 हज़ार रुपये वो आराम से उठा सकते हैं। लेकिन वो मेरे मैसेज पर वो ज़्यादा अपना कारीगरी करेंगे तो रुपया लग जाता है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर निकल जाता है, लॉस हो जाता है। तो अब अपना दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, फिर वो इसे हो सकता है। तो अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो अब ये मैंने फी बढ़ा दी है, और ये नए लोग के लिए है जो 1 मई से ज्वाइन होंगे उनके लिए है। पुराने जो एग्जिस्टिंग है उसका जो पुराना चल रहा है उसका कंटिन्यूस रहेगा पुराने रेट में, उन लोग का रेट मैंने नहीं बढ़ाया जो मई महीना से आए गए, इसलिए मैंने न्यू ज्वाइन लिखा है ओनली न्यू ज्वाइन। मंडे टू फ्राइडे 1,000, वीकली 1,000 रुपया है, और मंथली एक साथ देते हैं तो 3,000 रुपया है, और एब्रॉड के लिए 1,500 रुपया है। नोट कीजिएगा कि मैं ओनली लेवल देता हूँ, टिप्स नहीं देता हूँ, ये नोट कीजिएगा। टिप्स लेना तो मेरे चैनल से मत जुड़िएगा। आपको लेवल चाहिए ऑप्शन का, मैं लेवल देता हूँ, तो उससे आप काम कर सकते हो। तो एक QR कोड स्कैन करके भी मुझे भेज सकते हो। और कोई भी क्वेरी है, व्हाट्सअप नंबर दिया है 9830555353, और यही मेरा UPI ID है 9830555353@Kotak। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से जो नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किया, IFI ने इंडेक्स में शुक्रवार को यानी आज 10,513 करोड़ का बाई किए, 9,855 करोड़ का सेल किए, नेट में 658 करोड़ का बाई किए। FI ने FNO स्टॉक्स में भी 4,215 करोड़ का बाई किए, और कैश में 129 करोड़ का बाई किए, और DII ने 52.5 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है शुक्रवार की यानी 19 अप्रैल की, और 22 अप्रैल को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने 8,229 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट में अब वो लॉन्ग में 1,23,649,
FII ने बोध किए 4,454 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी शॉर्ट में है 1,03,032 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोध किए 3,802 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अब 656 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,88,321 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 3,18,296 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। और FII ने बोध किए 56,275 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में आ गए 2,81,752। प्रो ने बोध किए 1,32,046, तो वो भी 36,544 में लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 1,43,801 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट में अभी भी वो शॉर्ट में चल रहे 4,47,863 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने बोध किए 70,393 कॉन्ट्रैक्ट, तो उनका इंडेक्स पुट में लॉन्ग हो गया 4,20,156 कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही बड़ा फिगर है। और प्रो ने सोल्ड किए 2,18,360 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में अब वो 26,234 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। ओवरऑल डाटा के हिसाब से देखा जाए तो बुलिश है, क्योंकि FII और प्रो के कॉल और पुट में दोनों साइड बाइंग है, तो उस हिसाब से बुलिश है। और क्लाइंट ने कॉल भी शॉर्ट किए, पुट भी शॉर्ट किए और फ्यूचर में लॉन्ग किया है, तो ओवरऑल डाटा बुलिश है, दोनों साइड होगा मार्केट। और मार्केट गैप अप भी खुल सकता है या तो गैप डाउन भी खुल सकता है, क्यों HDFC बैंक का रिजल्ट है मेरे हिसाब से नेगेटिव है। अब मार्केट क्या रिएक्ट करता है उनके सौदा के ऊपर है, जैसे उन लोग का भी कॉल में बाई है और पुट में भी बाई है, तो हो सकता है फर्स्ट हाफ पहले एक बार ऊपर गैप अप खोल के वहाँ पे वो अपना माल सल्टा दे और फिर मार्केट को गिरा दे, और या तो पहले एक बार नीचे करके फिर धीरे धीरे मार्केट को ऊपर की ओर ले जाए, क्योंकि उनको भी अपना एडजस्टमेंट करना होता है। वीकली लेवल 22 से 26 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के सपोर्ट बिलो 53,600 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 52,750 51,600 रही सर, ऊपर में 53,900 54,600 मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको वीडियो लर्निंग पर्पज में हेल्पफुल हो सके। मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के सपोर्ट बिलो 53,800 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 53,380 रही सर, ऊपर में 54,160। और मंडे को इसका एक्सपायरी है, मैंने लेवल नहीं दिया क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट है, अब गैप अप या गैप डाउन ही खुलेगा, तो इसका जीरो जीरो करके कोई बेनिफिट नहीं है। लाइव मार्केट में देखूंगा, होगा तो बनेगा तो मैं दूंगा। वीकली लेवल 22 से 26 अप्रैल 2024 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 73,000 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 71,800 71,500 रही सर, ऊपर में 73,500 73,900 मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि आपको लर्निंग पर्पज में वीडियो हेल्पफुल हो सके। वीकली लेवल 22 से 26 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 22,173 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 21,754 और 21,639 रजिस्टर 22,300 और 22,455। देखिए रजिस्टर ऊपर में 300-400 पॉइंट है, नीचे घटने में 600-700 पॉइंट हो जाएगा 600 पॉइंट। और मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पज में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 1.05 मैं बनाता हूँ 0.81। मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 22,147 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 22,035 और 21,900 रही सर, ऊपर में 22,290। इंट्राडे मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी 22,500 का कॉल वीकली वाला एवं 19 के ऊपर बाई जोन सपोर्ट नीचे में 8 रुपया रही सर, ऊपर में 38,50 और 62। ये हम लोग BTST ऐसे तो 19 में लिया था, लेकिन क्लोजिंग भाव दिया उसने मैंने उसी हिसाब से 25.70 रुपया लिख लिया है। इंट्राडे मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी 21,600 का पुट वीकली वाला एवो 38 के ऊपर बाई जोन सपोर्ट 19,08 रेजिस्टेंस ऊपर में 60, 71 और 88 तक जा सकता है। BTST हम लोग 35 में लिया, क्लोजिंग दिया 38-35 का, तो उसी हिसाब से मैंने BTST लिख दी है। और बाकी इसका ऊपर का भी 22,000 का लेवल बनता है, लेकिन अब मार्केट वोलाटाइल है तो चालू मार्केट में ही मैं दूंगा व्हाट्सएप में। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट से आपको कोई लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। वीकली लेवल 22 से 26 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पोर्ट बिलो 10,700 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 10,500 10,380 रेजिस्टेंस 10,870 मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पोर्ट बिलो 10,665 के नीचे सेल जोन रहेगा
सपोर्ट 10,640, 10,600, रईसन ऊपर में 10,748। इंट्राडे मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,700 का कोल विकली वाला बिलो 56 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 25, 12 और 6 रुपया, 6 के पास ले सकते हो 0-0 के लिए। रईसन ऊपर में 83 तो नहीं जाएगा अगर जो फर्स्ट हाफ के ऊपर निर्भर करता है, और ऊपर सेल करना हो तो 90 के पास। इंट्राडे मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,700 का पुट वीकली वाला जहां घटे वहां 37.5 के पास लीजिए, 3-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 में कट जावे तो नीचे में फिर 15 और 7 के पास आवे तब वेट कीजिए, और वहां से 0-0 रहेगा। रईसन ऊपर में 120। वीकली लेवल 22 से 26 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 47,470 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 47,180, 46,680 और 46,100 तक भी आ सकता है, वीकली के लेवल है। रईसन ऊपर में 47,725 और 48,130 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.99 मैं बनाता हूँ 080। मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 47,574 यानी क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन सपोर्ट 47,275 और 47,000। रईसन ऊपर में 47,950 क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट आ गया है, अब मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है उसी हिसाब से, लेकिन अगर सेल ऊपर गैप अप खुले तो बेचेगा आपको प्रॉफिट मिलेगा 100%। इंट्राडे मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,000 का कॉल वीकली वाला बिलो 800 के नीचे सेल जोन, 800 के ऊपर हो तो अवॉइड कर सकते हो, 800 के नीचे सेल जोन। रईसन 1050 का सपोर्ट 475, 390 और बाइंग करना हो तो 220 रुपये के पास 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी 150 रुपये का स्टॉप लॉस से। इंट्राडे मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,500 का पुट अबव 405 यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए, और देखिए मैंने 350 का एक ही सपोर्ट दिया है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हो 405 के ऊपर हो तो। रईसन ऊपर में 590 और 790 तक जा सकता है। वीकली लेवल 22 से 26 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 21,080 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 20,960, 20,800। रईसन ऊपर में 21,370, 21,470। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 1.01 मैं बनाता हूँ 0.69। मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 21,025 के नीचे सेल जोन 21,173 का क्लोजिंग दिया है, सपोर्ट 20,900, रईसन ऊपर में 21,355। इंट्राडे मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,300 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े वहां 134 के पास बेचे, 180 का रेजिस्टेंस रहेगा, और इनकेस 93 के नीचे हो क्लोजिंग के नीचे तो वहां भी बेचे, और जो हाई बना हो डे का उसका स्टॉप लॉस लगा के सपोर्ट 72 और 49 का टारगेट है। इंट्राडे मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,100 का पुट वीकली वाला एबव 131 के ऊपर बाई करना है, माने क्लोजिंग के ऊपर हो तभी बाई करना है, सपोर्ट 100 रुपये का रहेगा। रईसन ऊपर में 165, 215, 215 के ऊपर 290 तक भी जा सकता है। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।